हमारे समाजवादी नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी तो कहते थे पिछड़ा पावे 100 में 60, दे दो पिछड़ा पावे 100 में 60, हम तो 100 में 90 हैं, हम 60 की मांग कर रहे हैं तो हमें 27 दे रहे हो। 1980-82 की गणना में जिनकी आबादी 11% थी, आज उनकी आबादी कहीं ना कहीं 40% 70% हो गई, और आज भी आप 6% थे और आज भी आप 10% आरक्षण लिए हुए, हम उसका विरोध तो नहीं कर रहे, हम तो समझ रहे हैं कि चलो गरीब स्वर्ण है। और वही लोगों ने, भाजपा जैसे कुंठित मानसिकता के लोगों ने गरीब स्वर्णों को भी पीछे ढकेल दिया। एक सामाजिक न्याय को शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पे विकास के दौर को अगर ये लोग काला दौर बताते हैं, तो मेरा मानना है कि ऐसा काला दौर हर राज्य में हो, बिहार नहीं पूरे देश में ऐसा दौर हो, जब पिछड़े अति पिछड़े पूरी तरह से शोषित वंचित और आखिरी पंक्ति में बैठे लोगों को जब अग्रिम पंक्ति में लाने की बात आई, कोई भी लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे पिछड़े लोग, कोई भी जमींदार और किसी बड़े समाज के लोगों के गली से अगर गुजरते थे तो गर्दन नीचे आँख नीचे और तब जाइए, आप किसी के सामने अपनी खटिया पर नहीं बैठ सकते, नीचे बैठना पड़ेगा। ये दौर 90 के बाद था क्या, कोई समाज बता दे। बिहार में हो रहा जातिगत गणना, लेकिन बीजेपी परेशान है लगातार, और आज आपको दिखलाएंगे कि बीजेपी ने एक फेसबुक पोस्ट किया है, इसमें लिखा है कि राजद जाति का जहर घोलकर फिर से 90 का दौर का काला दौर लाना चाहती है। 90 के दशक में जो काला दौर था बीजेपी के अनुसार, उसको राजद लाना चाहती है। और इसमें बात करेंगे, हमारे साथ मनीष यादव हैं, पटना विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं, और इनके बारे में बता दें कि लालू यादव बने थे अपने दौर में पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग से आते थे, उसके बाद से कोई बना तो मनीष यादव बने थे। तो मनीष यादव बतलाएंगे कि क्या था उस समय का काला दौर और अभी का क्या है। जाति का गणना हो रही है तो बीजेपी कह रही है काला दौर आने वाला है जो 90 के दशक में था। देखिए, भाजपा कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय से घबराती है, भाजपा कहीं ना कहीं शोषितों वंचित जो आज शिक्षित होकर अच्छे जगह पे है और वो भी अपने समाज के लोगों को अच्छे जगह पे लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से डरती है। काला दिन इस तरह से हम इनसे पूछना चाहेंगे, क्या हमने आपको कभी कुएं और तालाब से पानी भरने से रोका क्या? क्या आपको मंदिर में प्रवेश करने से रोका क्या? क्या आपको शिक्षा के मंदिर में बैठकर, शिक्षा के मंदिर के बाहर आपको, या शिक्षा के मंदिर में घुसने से आपको रोका क्या? आप 90 से पहले तो पिछड़े थे पिछड़ों को मंदिर में प्रवेश नहीं किया नहीं देना जाता होते थे, कोई भी लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे पिछड़े लोग, कोई भी शिक्षा के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे, कोई भी लोग किसी जमींदार और किसी बड़े समाज के लोगों के गली से अगर गुजरते थे तो गर्दन नीचे आँख नीचे और तब जाइए, आप किसी के सामने अपनी खटिया पे नहीं बैठ सकते, नीचे बैठना पड़ेगा। ये दौर 90 के बाद था क्या, कोई समाज बता दे कि उसने उसे कभी किसी ने इस दौर से गुजरा हो, कोई भी समाज। एक सामाजिक न्याय को शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पे विकास के दौर को अगर ये लोग काला दौर बताते हैं, तो मेरा मानना है कि ऐसा काला दौर हर राज्य में हो, बिहार नहीं पूरे देश में ऐसा दौर हो, जब पिछड़े अति पिछड़े पूरी तरह से शोषित वंचित और आखिरी पंक्ति में बैठे लोगों को जब अग्रिम पंक्ति में लाने की बात आई, ऐसे दौर को कहने वाले लोग अगर काला दौर कहते हैं तो मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों के आंखों पे काला पट्टी बंधा हुआ है और ऐसे लोग अब डर गए, ऐसे लोग डर गए। और कब डरे? ऐसे लोग उस समय डरे जब एक पिछड़ा थी पिछड़ा रिक्शा ठेला चलाने वाला का बाल बच्चा इनके सामने आया, IIM में पढ़ रहा था, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, हमारे जैसा लड़का जो पटना विश्वविद्यालय में आज तक कोई जीत के नहीं आता था, जब हम लोग चुनाव जीत के आए, वैसे लोगों से उनको डर लगने लगा, उनके गली मोहल्ले से जब कॉपी किताब बस्सा लेके झोला टांग के जब शिक्षा के मंदिर में प्रवेश करने लगे, वैसे लोगों को डर लगा, और वैसे लोगों ने इस सामाजिक न्याय और शैक्षणिक और सामाजिक तौर पे मजबूत होते हुए लोगों को और समाज को काले दौर की संज्ञा दी। अभी भी बोला जा रहा है कि जाति का जो गिनती हो रहा है इससे काला दौर वापस आ जाएगा, ऊंच नीच का भावना बढ़ जाएगा, तेजस्वी यादव यही चाह रहे हैं। अरे भाई, हम कह रहे हैं कि कुत्ता बिल्ली को गिन रहे हैं आप लोग, आदमियों को क्यों नहीं गिनिएगा? 10% तो हम लोगों ने आरक्षण दे दिया गरीबी के नाम पे स्वर्णों को, हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि उसको छीन लीजिए। जिनकी आबादी 1980-82 की गणना में जिनकी आबादी 11% थी, आज उनकी आबादी कहीं ना कहीं 40% 70% हो गई, और आज भी आप 6% थे और आज भी आप 10% आरक्षण लिए हुए, हम उसका विरोध तो नहीं कर रहे,
हम तो समझ रहे हैं कि चलो गरीब स्वर्ण है, और वही लोगों ने, भाजपा जैसे कुंठित मानसिकता के लोगों ने गरीब स्वर्णों को भी पीछे ढकेल दिया। उनका कहना है कि 8 लाख सालाना वाले गरीब है, कौन गरीब भाई 70,000 रुपया महीना कमाता है। तो एक पूरा प्रोपगंडा भाजपा आरएसएस ने एक पूंजीवादी और अमीर सेक्टर के लोगों के लिए डब्ल्यू आरक्षण लाया, जो गरीब आज तक, हम तो बताते हैं कि हम अपने कार्यकाल में कितने स्वर्णों का एडमिशन पटना विश्वविद्यालय करवाए होंगे, पटना के कोचिंगों में कितने स्वर्णों को भेजे होंगे जो गरीब है। हम लोग तो स्वर्णों की बात कर रहे हैं, हम लोग कहाँ इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन जातीय जनगणना होना अति आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है कि जो लोग आज भी पीछे छूट गए, बहुत सारे ऐसे समाज है जो आज कहीं ना कहीं उनकी गिनती नहीं है, वो लोग स्कूल तक आदिवासी समाज के लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, वैसे लोगों की हम बात कर रहे हैं, वैसे लोग आगे आने चाहिए। आप भी गरीब हैं, आप भारत बंद कर दिए थे भाई स्वर्ण ईडब्ल्यूएस आरक्षण के नाम पे, हमने रोका क्या, हमने विरोध किया क्या? ये पूरी तरह से पेट में उन लोगों को दर्द हो रहा है जो नहीं चाहते कि दलित समाज का बच्चा IIT IIM में मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, जो नहीं चाहते कि दलित पिछड़ा समाज का बाल बच्चा कलम उठाए, लाठी पकड़ ले, ऐसे लोग यही चाहते हैं, और ऐसे लोगों की मानसिकता पे कड़ा जवाब है सामाजिक न्याय। लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी अति पिछड़ा का विरोधी है, आज ही जन नायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती उन लोगों ने मनाया है। अरे भाई तो क्यों पेट में दर्द हो रही है? हमारे समाजवादी नेता जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी तो कहते थे पिछड़ा पावे 100 में 60, दे दो पिछड़ा पावे 100 में 60, हम तो 100 में 90 हैं, हम 60 की मांग कर रहे, तो हमें 27 दे रहे हो, हम 100 में 90 हैं लेकिन हमें तुम 27 दिए, हम 60 की मांग कर रहे हैं, दे दो। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो मानने वाले लोग हैं, ये अंबेडकर की प्रतिमा और फोटो लगाकर अंबेडकर के उपहास करने वाले भाजपा के लोग इस बात को जान लें कि आपके प्रोपगंडा में देश और बिहार नहीं आएगा। ये लोग अंबेडकर विरोधी, ये लोग फूले विरोधी, ऐसे ऐसे लोग ही कर्पूरी ठाकुर जयप्रकाश नारायण लोहिया के विरोधी है, और ऐसे लोगों के मुंह पे एक बड़ा तमाचा होगा जिस दिन जननायक कर्पूरी ठाकुर की बातें सच हो गए, उनके सपनों को जातीय जनगणना ही पूरा करेगा। जातीय जनगणना जल्द से जल्द लागू हो हम मांग करते हैं नीतीश कुमार से और माननीय तेजस्वी यादव जी से, ताकि जो आज भी बहुत बड़ा समाज, एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि लोग जो आज आखिरी पंक्ति में बैठे हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं स्कूल और विश्वविद्यालय तक पहुँचाने की जिम्मेदारी सरकार पर है। लेकिन प्रधानमंत्री OBC से आते हैं, राष्ट्रपति SC से आती हैं, इसके पहले भी उन्होंने शेड्यूल कास्ट से बनाया, अभी शेड्यूल ट्राइब से बनाया, तो उन तो कहेंगे ही कि हमने पिछड़ा को, अति पिछड़ा को, अनुसूचित जाति को मौका दिया, बीजेपी वाले बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। मतलब कि आज भी पूरे देश में दलितों पर शोषण लगातार चरम सीमा पर है। मूर्ति के रूप में, मुखौटे के रूप में किसी को शीर्ष पर बैठा देने से सामाजिक न्याय नहीं होता है, और सही मायने में 90 के बाद सामाजिक न्याय हुआ। माननीय आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय किया, हमारे नेता पप्पू यादव जी ने सामाजिक न्याय किया। ऐसे लोग अगर नहीं रहते तो आज अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों की कौन सुनता भाई? पानी नहीं पीने दिया जाता था, आप सोच सकते हैं, पानी नहीं पी सकते थे हम लोग, गर्दन झुका के चलते थे, कमर में झाड़ू रहता था, क्या बुलवा रहे हैं भाई? ये दिन लोग देखा हुआ है, लेकिन ये कुछ लोग उस दौर में इस तरह के मानसिकता के लोग थे जो हावी थे। मैं पूरे समाज को इस तरह की बातों में नहीं घसीटना चाहूँगा, लेकिन आज कहीं ना कहीं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि बाबा लोग, कभी रामचरितमानस, कभी करबला, और इन बातों पे चर्चा से ज़्यादा बेहतर है कि पिछड़ा समाज, वंचित शोषित समाज किस तरह से शिक्षा में जाए, किस तरह से उनका स्वास्थ्य बेहतर हो, और बिहार में शैक्षणिक वातावरण, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुधरे, हमारा बिहार कैसे डेवलप करें, हमारे यहाँ मदरसे कैसे बने, उस मदरसे में हमारे बच्चे इस्लाम की शिक्षा कैसे ले, हमारे यहाँ विश्वविद्यालय कैसे बने, वहाँ पे किस तरह से हमारे पौराणिक ग्रंथ जो हैं उनकी शिक्षा ले, ताकि हमारा बिहार और देश की सभ्यता को जाना जाए, इन बातों पे चर्चा करने की आवश्यकता है, ना कि इन चीज़ों पे चर्चा करने की आवश्यकता है। जन अधिकार पार्टी के छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष मनीष यादव थे, इनका कहना है कि 90 के दशक वो दौर था कि जब सर झुका के जो लोग चलते थे उनको कुर्सी पर बैठाने का अधिकार लालू यादव ने दिया, जिन लोगों को कुआं से पानी नहीं पिया देने जाता था, उनको कुआं में पानी पी लेने पर उनको मारा पीटा जाता था, उनको अधिकार और उनको सामान ला कर खड़ा करने वाले कोई थे तो लालू यादव थे। अगर उस दौर को कोई कह रहा है कि काला दौर था, तो काला दौर हमको स्वीकार है।